विश्व प्रसिद्ध उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में गुरुवार की रात आग लग गई थी। इससे श्रद्धालु दहशत में आ गए हैं। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। वहीं आग नागचंदेश्वर मंदिर के नीचे लगी थी। यहां फोल्डिंग ब्रिज का कार्य चल रहा है। वेल्डिंग की चिंगारी भड़की और आग तेजी से फैल गई। इस समय मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इसका वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि नागचंदेश्वर मंदिर के पट साल में एक बार सावन में नाग पंचमी पर ही खुलते हैं। इस दिन यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाकाल मंदिर परिसर में आगामी 2 अगस्त को नागपंचमी पर्व को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर के स्ट्रक्चर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फोल्डिंग ब्रिज तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर मंदिर तक दर्शन को पहुंचेंगे। निर्माण कार्य के दौरान ब्रिज के नीचे प्लास्टिक, कागज और अन्य सामान रखा हुआ था। गुरुवार की रात शयन आरती से पहले करीब 10 बजे चिंगारी से आग लग गई। इस दौरान वहां काम कर रहे लोग और कुछ कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए आग पर काबू पाया है। महाकाल मंदिर में आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर कितने हैं, कहाँ लगे हैं, ये कर्मचारियों को भी पता नहीं है। शुक्रवार को लगी आग अगर विकराल रूप ले लेती तो मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। गनीमत रही कि समय पर आग पर काबू पा लिया गया है।